और आखिर में 32वीं पुतली आई। 32वीं पुतली बहुत ही सुंदर थी। राजा भोज ने स्वयं उसका परिचय पूछा। पुतली ने बताया कि वो इस सिंहासन की सभी पुतलियों की रानी है। पुतली के कुछ और कहने से पहले राजा भोज ने कहा कि वे सिंहासन की पुतलियों की कथाओं के माध्यम से समझ चुके हैं कि इस सिंहासन को उसी जगह दफन कर देंगे जहां से उसे निकाला गया था। राजा भोज की यह बात सुनकर सभी पुतलियां रानी रूपवती से आ मिली। रानी रूपवती ने कहा, राजन, तुम्हारे इस निर्णय से हमें सिंहासन से मुक्ति मिल जाएगी और पुतलियों के निकल जाने पर यह सिंहासन कांति विहीन हो जाएगा। इसकी बहुत बुरी गत होगी। इसके साथ ही राजन, मैं आपको बताना चाहती हूं कि भले ही तुम राजा विक्रमादित्य जैसे अद्भुत संस्कारों के स्वामी नहीं हो, परंतु ये तुम्हारे अच्छे गुणों का ही प्रभाव है जो तुम्हें इस दिव्य सिंहासन के दर्शन हुए। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब तक ये विश्व राजा विक्रमादित्य का नाम याद करेगा, तुम्हारा नाम भी अवश्य दोहराया जाएगा। साथ ही तुम्हारा राज्य सदा सुख समृद्ध रहेगा तथा प्रजा को कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। राजा को इस प्रकार के आशीर्वाद देकर सभी पुतलियां आकाश की ओर उड़ गईं।